एसएम में एक दफा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं, तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। टमाटर दो अदद बड़े साइज के लेके उन्हें काट लिया। चिकन चाहिए मुझे 1 किलो, हड्डी वाला चिकन मैंने इस्तेमाल किया है, नॉर्मल साइज की ही उसकी गोटी करवाई है। धनिया थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे, प्याज एक था जिसे काट लिया गया, लीमू भी एक है उसकी कटिंग कर ली। हम इसे बनाएंगे घी में। घी चाहिए होगा हमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई जो है वो घी में ज़्यादा अच्छी लगती है। और दही चाहिए होगा तकरीबन हमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ही, और दही बहुत अच्छी तरह से फेंट के फिर हम इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास 3 अदद थी जिसे मैंने काट लिया। लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट चाहिए। मसाला जात में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च भी 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया चाहिए हमें थोड़ा सा पिसा हुआ है, बहुत बारीक पाउडर नहीं हमने इसका किया, ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हम इस्तेमाल करेंगे जीरा। जीरे को मैं मसल के फिर डालूंगी, पाउडर हमने इस्तेमाल नहीं करना। गरम मसाला 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। हम कढ़ाई बना रहे हैं तो हम इसे कढ़ाई में ही बनाएंगे। घी गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। चिकन डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे कि इसका कलर वाइट सा हो जाए। मैंने चिकन को सिरका लगाया था जब धोने से पहले, और उसके में नमक लगाया था। ये दोनों चीज़ें लगा के मैंने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने धोया था। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो खाने में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े का खाना बनेगा। हल्का सा चिकन मैंने भून लिया और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अब लहसुन का और अदरक का पेस्ट। अब हम इसे भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। चिकन का, प्याज का और लहसुन अदरक का पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, तो अब मैं इसमें सारे मसाला जात डाल दूँगी। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा कर लें, कम पसंद हो तो आप इसमें कम डाल लें। कलर देखेंगे पीछे कितना ज़बरदस्त आया है। इसे थोड़ी देर भूनना नमक मिर्च डाल के इसलिए भी ज़रूरी होता है कि मिर्च का जो कच्चा फन है वो ख़त्म हो जाए। कि भुनाई हो गई तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डाल कर मैं 1 मिनट के लिए इसे कवर करूँगी कि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। बस हमें 1 मिनट के लिए इसे कवर करना है कि टमाटर जो है वो नरम हो जाए। थोड़ी देर हमने इसको दम दिया था तो अब हमारे टमाटर जो थे वो नरम हो चुके हैं। कि हमने चम्मच से इसे मैश करेंगे तो ये आराम से हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। तो जैसे जैसे हम इसे हल्का हल्का यूँ चम्मच के साथ ही मैश करेंगे ना, तो ये आराम से मैश हो जाएंगे। कढ़ाई में जो भुनाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से चिकन की करनी होती है। जितनी अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और मीडियम से थोड़ा सा तेज़ आंच पे हमने भूनना है, लो आंच पे नहीं हमने करना। अगर हम आंच को लो कर देंगे, कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, चिकन जो है वो गल जाएगा, तो वो फिर अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा खुरा खुरा सा नज़र आएगा बीच में ना। हम इसमें डाल देंगे दही। दही हमने अच्छी तरह से फेंट के फिर डालना होता है। अब हम देखते हैं कि चिकन हमारा तैयार हो गया कि नहीं हुआ। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, ये देखें। तो अब हमने जो चीज़ें रखी थी हमने इसमें नहीं डाली थी वो हम डाल देंगे। लीमू डाला, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, सब्ज़ धनिया भी डाल दिया। बस अब हमने इसको मिक्स करना है एक दफ़ा। देखें कितनी जूसी सा हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार है। देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।